ऐसा आभास होता है। इन्होंने अभी जो एक इन्होंने कहा कि आपके पैसे की 5 लाख की गारंटी है, पूरी जिंदगी आधी पैसा कमाने के बाद उसके पैसे की सिर्फ 5 लाख की गारंटी है, और अब आप वो जो गारंटी है वो तब दे रहे हैं जब बैंकों का प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस इनका ये मूव चला तो लोगों के जो आम जनता का पैसा है, जिनकी पूरी सिरे की कमाई है, वो खतरे में है, और उस पैसे को बचाने के लिए आम आदमी जो बैंकों में जिनका पैसा पड़ा हुआ है उसके पैसे को सुरक्षित सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक रख सकते हैं, और आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, आने वाले यूथ को बचाने के लिए, आने वाले जो दिनों में जो किसान हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि जो पैसा किसान जो साहूकारों के पास पहले फंसे हुए थे उनके पास रह के उनको पैसा नहीं मिलता था। अब बैंकिंग क्षेत्रों में मैं मानता हूँ कि बैंकिंग को और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको और गहराई में जाके जो एरियाज रह गए हैं उस पर काम करना चाहिए, और सरकार को उसमें उनका सहयोग देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश। डेजिग्नेशन यूनियन की डेजिग्नेशन यूनियन एनसीबी में एसबीआई में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के वक्त हूँ।